विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को विद्युत कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि मुख्य अभियंता कार्यालय पर लगातार कई दिनों से विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में धरना देने के बाद सोमवार को कर्मचारियों द्वारा मोहद्दीपुर से मशाल जुलूस निकाला गया। ये मशाल जुलूस पेडलेगंज छासंग चौराहा अम्बेडकर चौराहा शास्त्री चौक होते हुए टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष आने के पश्चात समाप्त हुआ। मशाल जुलूस के दौरान विद्युत कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में नारे लगाते हुए विद्युत विभाग के निजीकरण करने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विद्युत विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी मशाल जुलूस में शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए संघर्ष समिति के सह संयोजक दीपक गुप्ता ने कहा, दीपक गुप्ता और सह संयोजक संघर्ष समिति गोरखपुर। सरकार इस बिजली विभाग का निजीकरण करने के बारे में सोच रही है, यह संभव नहीं है। यह निजी हमारे सभी साथी आज मशाल जुलूस में यह बता देना चाहते हैं सरकार को कि बिजली हमारी जिस हिसाब से सभी की जरूरत है उस हिसाब से सार्वजनिक रहने दिया जाए, किसी भी तरह इसका निजीकरण करने का प्रयास ना करें।